Yes. Yes. Today we are starting with the new law, the third one. This is called the law of the power, right? सर हम कॉपी कहाँ करेंगे? बेटा आप फिलहाल अभी तो ये करें कि कॉपी कहीं पर लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. Although the video will be available on YouTube inshallah, but it's थोड़ा time लग जाता है. अभी आप लोग अपने किसी भी रफ कॉपी में लिख लें एंड देन यू कैन फेयर इट अप राइट. मेक श्योर यू विल राइट डाउन द डेट हेडिंग ओके चैप्टर नंबर 2 वी आर कंटिन्यूइंग राइट एंड दिस इज योर क्लास वर्क राइट. टुडे इज 7th ऑफ दिसंबर. वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक बेसिकली बट विद द न्यू टाइप laws of exponents. The topic is same but the that's the third law we are studying today. The third one says law of power of power. जी law of power of power किसको समझ आता है? कोई explain कर सकता है? Yes, people. Can you even tell me? It is law of power of power. कोई भी आइडिया दो यार, कुछ भी बताओ कि क्या है. पावर का भी पावर. जी. सर एक पावर जो होती है ब्रैकेट के अंदर होती है, दूसरी बाहर होती है, तो जो अंदर वाली पावर के साथ जो नंबर होता है वो हम लोग बाहर वाली पावर के मुताबिक मल्टीप्लाई करते हैं. ओके अच्छा क्यों करते हैं मल्टीप्लाई? चलो ये बता. मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? ताकि ब्रैकेट ओपन हो जाए. तो प्लस भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने का. क्या तो क्या ब्रैकेट ओपन करने के लिए तो हमारे पास हम प्लस भी कर रहे होते हैं ब्रैकेट ओपन करने में. कोई जरूरी तो नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही करें. जी बाकी सब एग्री कर रहे हैं लैबा की बात से? जी फाइव क्या होता है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर? एनी आइडिया? ईशा सर नो आइडिया. ईशा समीर ने तो जवाब दे दिया. ईशा आमिर? ईशा आमिर गायब हो गई. अच्छा जी तो लाइबा ने आधी बात भी ठीक करी, दूसरी बात भी ठीक करी, but she didn't know के why do we do that. So law of power of power क्या है कि let's say के I have a number with a power n, right? And again power of power तो power की भी power हो जाए, तो किस तरह हो जाएगा कि इसकी भी एक अपनी power हो गई, right? Are you getting it? So how are we going to solve this one? What will happen? The powers will multiply. She said the right thing, but what is the reason of it?
एग्जाम्पल में देखते हैं रीजन क्या है इसका। जो मैंने सेकंड सवाल किया था आपसे वो यहाँ पर आपको समझ आएगी बात। लेट्स से 4 to the power 3 एंड पावर ऑफ पावर की बात करें तो लेट्स से पावर ऑफ 5, राइट? यहां तक किसी को कोई मसला? नो। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? लेट्स से कि 4 to the power एक नंबर है, जस्ट इस इटसेल्फ इज अ नंबर, राइट? ऐसे ही है, राइट? तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, ब्रैकेट ओपन करूं, तो ये ऐसे ओपन होगा, फाइव टाइम्स। कोई गलत बात लिखी है या सही लिखी है सर? आपने 3 क्यों नहीं लिखा? 4 to the power 3 है। आपने इन सब में 5 की पावर लगाई है आंसर में? जी मैंने 5 की नहीं, 3 है। पावर 3 है, 4 to the power 3 एक नंबर है जिसकी पावर 5 है। अब समझ आ रही है बात? सर नहीं, आपने पावर किसी लगाई नजर ही नहीं आ रहा सही। अच्छा मैं फिर बड़ा लिख देता हूँ, रुक जाए, कोई मसला नहीं है। अगर वो छोटा हो गया तो बहुत उसको बड़ा करके लिखते ताकि नजर आए। अब नजर आ रहे हैं? जी सर। जी अब कह रहे? यस। So now, मैंने exactly क्या किया, मैंने अपना एक नंबर था जिसकी पावर 5 थी, तो I have multiplied that number 5 times, right? सर हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि 4 को 3 दफा लिखा और 5 लिखा? 4 को 3 से? 4 को 3 दफा लिखा और ऊपर पावर 5 लगा दी। जब 5 का किया तो हमने 4 3 के साथ क्यों ऐसा नहीं किया? 3 की पावर, देखो यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। ये मुझे मैंने सवाल किया कि हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं? आप लोगों ने तो मुझसे सवाल नहीं किया, ये ऐसे ही है ना? Yes. तो क्यों करते हैं ऐसा? पता नहीं। देखो अगर मैं ये देखो इसका नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इंटर ब्रैकेट सॉल्व कर दूं तो ये 64 है। Yes. सही है, तो ये 64 मल्टीप्लाई बाय 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 64 ऐसे ही होता जाएगा ये। जी तो अगर मैं उसको 64 की जगह 4 to the power 3 लिखूं तो गलत बात है क्या? नहीं। हाँ आ गया समझ में। अब समझ आ गई बात? जी जी आ गई। ब्रैकेट के अंदर भी एक नंबर ही है ना लिखा हुआ जैसे भी हो। जी सर, लेकिन आपने ऊपर जो है वो लिखा हुआ a का n मल्टीप्लाई में m। हाँ यही तो समझाने की बात है। किसी ने नहीं पूछा कि भाई सर ये आप n मल्टीप्लाई में n क्यों कर रहे हैं? पावर खोलते हुए लाइबा ने तो बोला कि n मल्टीप्लाई में n करें। मैंने कहा लाइबा बात सही कर रही है, लेकिन क्यों क्यों का जवाब नहीं आया? क्यों का जवाब दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? आप बता दें मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? मैं ही बता रहा हूँ, अल्लाह से सफर भी होता ना। अच्छा जी चलो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा अब अगर याद करो जो फर्स्ट लॉ जो था हमारा एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, वो क्या था? लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स क्या कह रहा था भाई वो लॉ? कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को
ऐड कर दो ऐसे ही। यस तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे ही। यस सर 15 हो जाएगा। 15 कैसे हो जाएगा? हाँ सही है 15 हो जाएगा, लेकिन क्या बचपन में याद है ये चीज देखी थी, ग्रुप एडिशन कैन बी इजीली डन बाय मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या देखी थी बस? क्या अगर सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो क्या मैं इनको विदाउट डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल ऑफ दीज नंबर्स जस्ट काउंट दीज नंबर्स एंड मल्टीप्लाई विद व्हेन विद द फर्स्ट वन और विद द सेम नंबर। सर 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 जी 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 कौन है सर? मैं उस्मान बोल रहा हूँ सर। अब बोर्ड नजर नहीं आ रहा मुझे, मैं सेकंड टाइम। सर जी जी इट्स कंसोलेबल, आपको नजर आ रहा है? नहीं सर इट्स कंसोलेबल नजर नहीं आ रहा। हां वो हां वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मतलब मैं स्वाइप नहीं कर पा रहा। स्वाइप क्यों करना था मैंने तुम? नहीं सर आप वो आपकी जो आप दूसरी आईडी से आए हुए ना, तो मैंने आपकी वो उसको पिन करना है ना, तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा जहां से पिन कर सकूं। तुम अपने लैपटॉप से ऑन हो या फिर मोबाइल से, ये बताओ। मोबाइल से ऑन हो सर। मोबाइल से ऑन हो तुम, राइट स्वाइप करो सॉरी लेफ्ट स्वाइप। हां सर मैं, हां मैं कर रहा हूं सर, वो नहीं हो रहा, लेफ्ट स्वाइप हो ही नहीं रहा। ये देखो अब ये तो तुम्हारे मोबाइल का प्रॉब्लम है, आई थिंक यू शुड हैव री ओपन योर मतलब रीस्टार्ट योर मोबाइल, सो दैट कैन बी डन मे बी। ये तो मोबाइल का पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है बेटा, कि आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है। सर मैं करके देखता हूं। ठीक है चलो, टिल देन आई एम कंटिन्यूइंग द क्लास। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू द विद द क्लास। जी ये 15 तो आ गया, अगर मैं इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन दिस एज 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 जो है वो 3 द 5 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ 5 I can multiply with 5 times, 3, 5 times. समझ आई बात? The answer 15 आएगा। अरे 15 तो आएगा, वो तो लिख दिया भाई लिख दिया। लेकिन ये बात समझ आएगी क्यों multiply करते हैं? ताकि आसानी हो। Exactly, आसानी के लिए करते हैं। हमेशा जब भी हम groups of addition हो जाता है, group के addition हो जाता है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से यू आर बाइंग लेट्स से 100 पीस ऑफ एनी चॉकलेट राइट, आर यू गोइंग टू ऐड ईच ईच चॉकलेट प्राइस और यू विल जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, व्हाट विल यू डू? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बस इसी तरह से ये भी हमें यही चीज बताता है कि अगर एडिशन जो है सेम नंबर्स की हो रही है तो हम इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल ऑफ देम वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई देम। ओके यस सर आगे समझ में बस समझ आई, दिस इज द रीजन बिहाइंड कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं जस्ट टू ये जो क्लेरिफिकेशन के लिए होगी, एक समझ आने के लिए हो जाएगी कि हाँ भाई। लेकिन हम इसको डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली समझाने के लिए था, यही समझाने के लिए था सारी बात, ये समझाने के लिए थी कि क्यों मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रही है। आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग पूछते ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या सही और क्या गलत है। बात समझ आ रही है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत और क्यों हो रहा है।
सही है ना। और खास तौर पे लॉस पे तो आपको ये पूछना चाहिए, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं आप लोग, यू शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस। ओके अच्छा यस जी, एक एग्जांपल और ले लें, फिर आप लोग इसको कॉपी डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट वाली पर नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स से नंबर इज 6 to the power 4 एंड सेम ऑफ पावर 5, राइट? पावर ऑफ पावर ऐसे है, हम क्या करेंगे सिंपल, द पावर्स विल मल्टीप्लाई विद ओवर हियर 4 मल्टीप्लाई बाय, बहुत छोटा हो गया मेरा सवाल, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 to the power 20। क्लियर है बात सर? मतलब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मैंने आपको आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्ट ही करना है, लेकिन आपको ये पता तो हो ना डायरेक्ट क्यों करना है। आगे जाके जब आप जब सारे क्वेश्चन सारे लॉस के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, देन यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रही बात सर। तो मतलब जरूरी नहीं है ना, जैसे आपने पहली एग्जांपल में दिखाया कि आपने मतलब मल्टीप्लाई करके लिखा, बिल्कुल भी नहीं करना, और फिर पावर्स को प्लस किया, तो मतलब हम सीधा पावर्स को प्लस कर देंगे। जी बिल्कुल, आप प्लस नहीं करके दिखाएंगे, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है जनाब, कोई और इशू सर? फर्स्ट एग्जांपल समझ नहीं आई, जो फर्स्ट तरीका है। फर्स्ट तरीका नहीं है बेटा, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है इस बात की कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, पावर्स जब पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं कि भाई जब ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली कि हम इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर वी कैन इजीली मल्टीप्लाई इट। और ये ग्रेड 4 और 5 में पढ़ते हैं हम, बल्कि नहीं 3 और 4 में, 5 में थोड़ी पढ़ते हैं। 3-4 में ग्रुप मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप एडिशन कैन बी मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक है कि अगर सेम नंबर बार-बार ऐड हो रहा है, बार-बार ऐड हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दैट नंबर वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच आर एडिंग टुगेदर, तो सेम आ जाएगा आंसर। ऐसे ही है, आप समझ आई बात? यस, सबको क्लियर है ये बात? यस। चलो जी, सो इज देयर एनी सर? जी 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 उस्मान सर, सर मुझे अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। अरे यार उस्मान, तुम्हारा ये क्या मसला हो गया यार, लास्ट टाइम तो तुम्हारा सही हो गया था सर, सही हो गया था, फिर उससे पहले क्लास में भी खराब था, पिछली बार सही हो गया था, अभी फिर ये मसला हो रहा है। और किसी क्लास में इशू आ रहा है? नहीं सर, और किसी क्लास में ये इशू नहीं आ रहा। और किसी क्लास में? अच्छा, बिकॉज़ टीचर्स आर नॉट यूजिंग द अदर आईडी ना, वो सेम आईडी पर ही वो स्क्रॉल कर देते हैं, तो इसलिए वो फर्स्ट पेज पे हमारा बेसिकली फर्स्ट पेज नहीं खुल रहा ना, वो सॉरी सेकंड पेज नहीं खुल रहा है Zoom पे। यस यही सर, सर यही नहीं हो रहा, तो सेकंड पेज नहीं खुल रहा हो तो किसी के साथ भी नहीं खुल रहा होगा, लेकिन इत्तेफाक ये है कि हमारे वाले में तुम्हें जरूरत है। तुम एक काम करो, all you can do is just reinstall your Zoom, ठीक है, और try to use it from your computer or something else, ठीक है? Okay sir. अभी का तो ये है कि तुम you can take work from your any classmate or from the video which you will upload afterwards, ठीक है? Okay sir. चले जी, we are moving. जब तक सुन के ले लो यार क्लास, एटलीस्ट कुछ समझ आ जाएगा वैसे ही, ठीक है? जी जी, भी आपके सामने है, बुक से ही हम टॉपिक को कवर कर रहे होते, यू कैन गो विद दैट। अच्छा जी, नाउ द लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। अब ये हाउ मेनी ऑफ यू नो द वर्ड कोशेंट? यस सर, कौन सा वर्ड? कोशेंट। उसकी
बेस तो बेस होगी ना भाई, बेस कैसे हो सकती है? जी क्वेश्चन, व्हाट इज अम सर, कोई रिजल्ट या कुछ? रिजल्ट? ओके जी, और कोई बताएगा क्वेश्चन से क्या याद आता है? ये भी बहुत पुरानी बात है। सर, जब हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर देते हैं तो क्वोशेंट आता है। दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर देते हैं तो क्वेश्चन आता है। हाँ तो या तो ये वो वाला नंबर होता है जिसके साथ पावर लगी हुई होती है। तो शायद बुशरा सही कह रही है, जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो फिर क्वेश्चन आता है रिजल्ट। वो जो दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? तो नंबर ही कहलाता है। याद है किसी को? सर रियल नंबर्स। नंबर्स तो सारे रियल नंबर्स ही पढ़े हैं हम लोग, तो इमेजिनरी नंबर्स तो पढ़े ही नहीं हमने। अगर यहाँ लिखते हैं याद आ जाएगा। सर डिवीजर और डिवाइजर, या हाँ डिवाइजर। ये कहलाता है डिवाइजर, ये कहलाता है डिविडेंड, और ये कहलाता है क्वोशेंट। बिल्कुल सही बात बोली बुशरा ने कि जब दो नंबर्स डिवाइड होके जो आंसर आता है, डिवीजन के आंसर को हम क्या कहते हैं? क्वोशेंट। ठीक है, तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम डिवीजन में पावर्स को स्टडी करने वाले, राइट? बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, तो इसकी लॉ देखते हैं कैसे के लिखा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है बाय लॉस को। लेट्स से एक पावर है ए की पावर एम अपॉन डिवीजन, हम इस तरह से भी करते हैं और इस तरह से भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉक्स डिवीजन, दिस इज फ्रैक्शनल डिवीजन। ओके, जी ए टू द पावर एन, बात हो जा रही है? Yes, can everyone hear me? यस सर। Actually, अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में, अब ये याद है कि मल्टीप्लीकेशन जब कर रहे थे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, क्या कर रहे थे कि जब बेसिस सेम थी तो पावर्स को ऐड कर देते थे मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे ही था। यहाँ क्या करेंगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे। करेंगे। बात समझ आ गई? जब हमारे पास सेम नंबर्स पे डिफरेंट पावर्स होंगी तो हम क्या करेंगे? उसको पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल बात, ओके क्लियर सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा, यहाँ पर दो बातें और ऐड करेंगे। ये तो लॉ हो गया, ये लॉ अपनी जगह खत्म हो गया, ये समझ लीजिए नोट डाउन थिंग्स है बीच में, लेकिन ये क्योंकि रिलेटेड टू आर क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ पावर है, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर है, तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। 100 की पावर जीरो, व्हाट विल बी द आंसर? 100 शेर। 1
हाशिर ने जवाब नहीं दिया। खैर जवाब सही है। हाशिर क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं सर? आंसर वन है। आंसर वन आएगा, बिल्कुल ठीक है। किसी भी नंबर की हो पे पावर लगा दे, फॉर एग्जांपल 100 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, राइट? बात समझ आ रही है? यस सर, क्लियर है बात? इसी तरह से ये वाली बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस वन हो जाए या माइनस में चली जाए तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस नंबर रिप्रेजेंटिंग? दिस नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इट। बात समझ आई सर? रेसिप्रोकल में जो नीचे होता है उसको ऊपर और जो ऊपर होता है उसको नीचे कर देते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो नंबर हमारे पास न्यूमिनेटर में नजर आ रहा था उसको डिनोमिनेटर में चला जाता है वो। नॉर्मली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। वो भी हम आगे देखेंगे, ये भी एक बाय लॉ चीजें हो रही होती है। ऑल्दो वी हैव बीन डूइंग दिस, अब ये बाय लॉ किस तरह से करते हैं, इसको सोल्यूशन में किस तरह से लाते हैं आगे जाके, वी विल सी दैट टू इन इन सर। आपने एक ही जगह पे 100 लिखा है? नहीं नहीं एग्जांपल है बेटा। अच्छा ओके, इसकी एग्जांपल है। हाँ एक ही जगह पे 100 क्यों नहीं कह रहे? बिल्कुल एग्जैक्टली है तो वही मतलब, बट इट्स काइंड ऑफ एग्जांपल। एक ही जगह पे 100 लिख के देखो, 100 के 1000 लिख के देखो, तब भी आंसर आएगा। सर मेरी बात सुने, आपने ऊपर तो m माइनस n किया था, आपने नीचे तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने क्या बोला कि ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि हमें बिफोर अंडरस्टैंड बिफोर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस लॉ वी शुड अंडरस्टैंड दीस टू पॉइंट्स। बात समझ आ रही है? दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ ऑफ पावर या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये हमने क्यों आपको यहां पर बताए? क्योंकि ये इस पॉइंट पे आके आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है? या आप अलग से नोट डाउन कर लें, इसीलिए थैलेंस बनाए यहाँ पर, स्टार्स बनाए, ताकि आप इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? कोई मसला? नहीं। जरा चैट देख ले, मुस्तफा सर से एक्सपोनेंट्स। अच्छा ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला? इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी एक नंबर ले लीजिए, लेट्स से 4 टू द पावर माइनस 1, राइट? यस। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आंसर? 1 अपॉन 4। वेरी गुड। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं कि लेट्स से 5 टू द पावर माइनस 3, अब क्या होगा नंबर? 3 अपॉन 5। यार 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5। 3 upon 5. Yes. किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो ये होता है। Yes. 3 का रेसिप्रोकल बताना क्या होगा? 1 upon 3। तो फिर 5 का रेसिप्रोकल 3 upon 5 कैसे हो सकता है भाई? सर फिर इसका 1 upon 5 होगा। लेकिन सर 3 का तो कहीं डालना है। 3 का मतलब ये है कि 1 upon 5 to the power 3। मतलब 1 आएगा ही आएगा। बिल्कुल, देखो होता क्या है कि रेसिप्रोकल क्या होता है कि डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर बिकम डिनोमिनेटर, ऐसे ही है क्या हो रहा है? यस। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 upon 1 होता है, हर नंबर डिवाइड बाय 1 हो रहा होता है, 3 upon 1 become 1 upon 3। बात समझ आ रही है? Yes. अब क्लियर है सबको कि 1 हमेशा क्यों रेसिप्रोकेट करते हुए नजर आता है हमें, और ऐसा क्यों लगता है, क्यों होता है, वजह क्या है रेसिप्रोकल में? अभी आई डोंट रिमेम्बर किसने बोला था, बताया था हमें कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। बिल्कुल सही बात करी थी। ये देखो यही तो हो रहा है रेसिप्रोकल में, यहाँ पर हमारी 3 अपॉन 1 की एग्जांपल में, अगर 3 है तो 3 अपॉन 1 ही है ना जी?
कोई गलत बात इसमें? यस नो, सबको क्लियर है ये बात? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये भी समझ लीजिए ये दो तरीके से लॉज ही है, बट ये इस पॉइंट पे आके बताने का मकसद यही था कि आपको अब इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो ये वाला मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए क्विक एक्सप्लेनेशन थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप लोगों को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की उस वक्त आइडिया नहीं था, राइट? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ दिस वन जो हमारा जिसकी हेडिंग डाल के हमने शुरू करा था। ठीक है जी, एग्जांपल लेते हैं इसकी। क्या एग्जांपल होनी चाहिए? 2 to the power 3 अपॉन 2 to the power 2। सिंपल सी एग्जांपल है पहली। सर तो 3 - 2 हो जाएगा तो 2। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 - 2। तो आंसर 1। 2 to the power 1। और किसी भी लॉग के आंसर इसका हो जाएगा 1/2। 1/2 क्यों हो गया? माइनस 1 थोड़ी है। आंसर हो जाएगा 2। सर हम 1 लिखे या ना लिखे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 1 तो वैसे भी सबके साथ होता है। अभी मैं अपलोड करता हूं आप लोगों को। हमने लास्ट टाइम भी कहा था आप लोगों से, वो सिर्फ वहीं पर है कि आप लोगों ने ऑल्दो किया लेकिन अब इसको ऑफिशियली आपसे लेंगे। एक असाइनमेंट आपका अब इस मंथ में जो है वो यही वही वाला रखेंगे जो प्रीवियसली डिस्कस हुआ था कि इनविजिबल मैथ्स पे आपने पॉइंट्स निकाल के लाने और बताना है जरा इन डिटेल कि व्हाट इज इनविजिबल मैथ्स और ऐसे कौन से डेली लाइफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं कि जिससे हम इनविजिबल मैथ्स के अंडर बात कर सकते हैं और वो है बेसिकली। और आपको कब जो है वो कौन कौन से आपको खुद से पता चल गया कि हाँ यार ये भी इनविजिबल मैथ्स है, ये भी इनविजिबल मैथ्स है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये 2 और 2 की पावर 1 = 2। मैंने क्या किया, सिर्फ 1 हटा दिया तो ये इनविजिबल मैथ है। ये दिस इज अ टाइप ऑफ इनविजिबल मैथ्स। अब यहाँ पर 3/1 है, ये बात समझ आ रही है? ये 3/1 है लेकिन मैं 3/1 लिखता नहीं हूं। बात समझ आ रही है जी सर? तो इस तरह से चंद चीजें हैं, आप देखिए और मुझे बताइएगा फिर, ठीक है? एंड देन हम उसको प्रॉपरली जो है असाइनमेंट अभी दे देंगे आपको और इंशाल्लाह आज जो टेस्ट भी अपन टेस्ट की डेट भी अपलोड कर देंगे आपके एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का इस वीकेंड पे, वीकेंड से पहले पहले मतलब थर्सडे। सर 2.1 में मसला है। 2.1 में आपको जो मसला है सर? मुझे भी 2.1 में मसला है। You should have asked me when we were starting the class at least. अच्छा कल एक काम करें आप 2.1 जो है जो भी problems हैं आप लोग कल की class हमारे पास है, कल आप उसको हम discuss करें, then we will move to 2.1. सर लेकिन copies ही नहीं है, मैं किसमें से देख के बताऊँ आपको? कल आ जाएगी ना copies? नहीं सर Friday को आएंगी। book में से कर लो ना। Friday को आएंगी। अच्छा चलो देखते हैं कल की क्लास में, देखते हैं जिसको जो प्रॉब्लम हो डिस्कस कर ले और नहीं हो पाए तो मुझे फिर जो है पहले बता दे, वी कैन डिस्कस इट ऑन व्हाट्सएप अगर छोटी प्रॉब्लम होगी। ठीक है एक एग्जांपल और लेते हैं देन वी एंड द क्लास। ये बता अब पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर क्यों हमने ये चीज ली थी कि लेट्स से कि हमारे पास क्या होगा भाई? सर 4 3 - 6। 3 - 6 क्या आंसर आएगा? 4 to the power 3 - 3 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा ना? यस। अगर पावर में तो कोई रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा ये वाला रूल लगेगा
फोर की पावर अगर माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा, नहीं माइनस थ्री सर, माइनस अच्छा हाँ नहीं आएगा, सही है